फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है, थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा फिन से कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन जो हम लोग फिन के केस स्टडी पढ़ते हैं उसमें हमारे तीन तरीके के बेसिकली क्लासिफाई होते हैं पिन, जो आपका फिन होता है, तो उसमें हम लोग वो केस उठा रहे हैं जहां पर आपका जो फिन है उसका जो टिप है वो आपको कैसा दिखेगा इंसुलेटेड। अगर मैं इस डायग्राम पे बात करूं तो ये जो आपका फिन है जिस वॉल से आपका अटैच होता है इसको हम लोग बोलते हैं रूट, और इसी को रूट बोल के और क्या बोला जाता है बेस, और जो फिन का जो एंड पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टिप, जो आपका एंड पॉइंट है। और यहाँ पे आप बात करोगे तो जो आपका ये वॉल है जहां से आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ पर हमको करना क्या है, ये आपका इस तरीके का जो फिन है उससे हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है वो हमको देखना है। बात ये आता है कि जब हम लोग फिन को हीट ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं तो टिप को इंसुलेटेड करने का क्या मोटो है। तो देखिए सीधी सी बात यह है कि कभी भी ऐसा टिप को इंसुलेटेड करने वाला फंडा नहीं चलता। एक्चुअली क्या है, टिप जो है मतलब ये जो आप साइज देख रहे हो ये इतना नेग्लिजिबल होता है, थिकनेस इतना कम होता है कि इस पोर्शन से आपका हीट ट्रांसफर क्या होता है ऑलमोस्ट टेकलेट होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर टिप को इंसुलेटेड लेके पढ़ते हैं, ठीक है। नहीं तो फिन आपका यूज किया ही जाता है हीट ट्रांसफर करने के लिए, तो इंसुलेटेड करने का क्या तुक बनेगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, तो अगेन हमको इसमें क्या करना है, हीट ट्रांसफर का एनालिसिस करना है। तो उसके लिए हम लोग एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर किए हैं, इस एलिमेंट्री पार्ट का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आपका पूरा एक फिन का ही पूरा आपका हीट ट्रांसफर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, ये जो आपका फिन है यहाँ से आपका बेसिकली क्या है, हीट सोर्स होगा कहीं पर, या तो इंजन का वॉल होगा या जो भी आपका एक्सटर्नल हीट सोर्स है, यहाँ से जब आपका हीट पास करेगा तो ये जो हमारे पास एलिमेंट्री पार्ट है इस एलिमेंट्री पार्ट में जो हीट इंटर करेगा डेट इज द क्यू एक्स, और जब यहाँ से ये एग्जिट करेगा तो आपको क्या मिलेगा क्यू एक्स प्लस डी एक्स। तो यहाँ पर जब आपका हीट इंटर कर रहा है तो क्यू एक्स, क्यू हीट बाहर निकलेगा तो क्यू एक्स प्लस डी एक्स तो निकलेगा, सही बात है, बट इसके साथ क्यू कन्वेक्शन भी तो कुछ होगा, ठीक है। अब क्यू कन्वेक्शन कितना होगा, यहाँ पर बेसिकली हमने जो टी इन्फिनिटिव लिखा है डेट इज द एम्बियंट टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर, टी इज द वॉल टेम्परेचर आप ले सकते हो। और सबसे बड़ी खास बात कि यहाँ पर ये जो आपका टिप है इस टिप पे आपको मिलेगा मैक्सिमम टेम्परेचर, ये जो आपका टिप है यहाँ पे आपको मिलेगा मैक्सिमम टेम्परेचर। और आपको शायद पता हो कि जहां पर आपका टेम्परेचर मैक्सिमम होता है वहां पर हमको स्लोप क्या मिलता है, जीरो। कोई भी चीज अगर जहां मैक्सिमम होती है वहां पर स्लोप आपको क्या मिलता है, जीरो। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे एक्स के डायरेक्शन में तो dt by dx आपको क्या दिखेगा, जीरो। तो यहाँ पर आपको पूरा एक एनालिसिस लिखना पड़ेगा कि कंसिडर अ फिन, कंसिडर अ एलिमेंट्री पार्ट विथ थिकनेस dx विच इज एस्टेब्लिश विच इज एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द रूट और बेस, ठीक है। नाउ द हीट ट्रांसफर, नाउ द हीट एंटरिंग द एलिमेंट इज क्यू एक्स एंड हीट रिजेक्टेड या हीट आउट फ्रॉम द एलिमेंट्री पार्ट इज क्यू एक्स प्लस डी एक्स एंड ऑल्सो क्यू कन्वेक्टेड, हीट कन्वेक्टेड फ्रॉम द एलिमेंट्री पार्ट इज क्यू कन्वेक्शन, आपको ये लिखना पड़ेगा। अब ये चीज को लिखने के बाद फिर आपको सिंप्लीफाई करना है, तो हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें क्या हीट कंडक्टेड इन, ये जितना भी देखिए बात चल रहा है सब एलिमेंट्री पार्ट के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो हीट कंडक्टेड इन अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा क्यू एक्स, और क्यू एक्स इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, क्लियर है। और जो ए है आपका कौन सा एरिया होगा, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसी तरीके से बात करेंगे हीट कंडक्टेड आउट के लिए, हीट कंडक्टेड आउट, तो हीट कंडक्टेड आउट में अगर आप देखोगे दिस इज द हीट कंडक्टेड इन है, और हीट कंडक्टेड आउट में देखोगे तो क्या हो जाएगा क्यू एक्स प्लस डी एक्स इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा माइनस, देखिए सीधा सीधा लिख सकते हैं इसको, ऐसा लिख लीजिए क्यू फॉर्मेट में, क्यू एक्स प्लस डेल बाई डेल एक्स टेलर्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्यू एक्स इंटू डी एक्स, क्लियर है यहां तक। अब ये आपका था कंडक्टेड आउट और क्यू कन्वेक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो हीट कन्वेक्टेड आउट ये भी हम लोग देख लेते हैं, अभी तक जो लिख रहे थे हम लोग वो कंडक्टेड लिख रहे थे, अब हमारा क्या हो जाएगा हीट कन्वेक्टेड आउट
फ्रॉम द एलिमेंट्री पार्ट। तो हीट कितना कन्वेक्टेड होगा, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्यू ऑफ कन्वेक्टेड, तो ये हमारा हो सकता है एच ए डी टी। तो एच ए डी टी की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा एच ए और डी टी, डी टी का आपका टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा टी, और ये आपका क्या है टी इन्फिनिटिव, तो यहां पर हमने लिख दिया टी माइनस टी इन्फिनिटिव। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां हम कौन सा एरिया ले रहे हैं और यहां पर हमारा कौन सा एरिया है, आपका ये कंडक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली ए सी मैंने लिखा है, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन आप यहां पे बात करोगे एरिया, तो कन्वेक्शन क्या है पेरीमीटर के थ्रू चल रहा है ना, तो पेरीमीटर मान लीजिए हम लोग पी ले लेते हैं और इसका विड्थ कितना है डी एक्स, तो यहां पर जो आप एरिया लोगे वो आपका हो जाएगा एरिया को पी इंटू डी एक्स, ठीक है। और फाइनली हम लोग लिख सकते हैं टी माइनस टी इन्फिनिटिव, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द क्यू कन्वेक्टेड, क्लियर। तो हीट कन्वेक्टेड आउट हो गया। अब अंडर एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, यहां से देखिए अंडर एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, तो अंडर एनर्जी बैलेंस इक्वेशन से आप करोगे तो क्या क्या हो जाएगा, क्यू जो है आपका कंडक्टेड इन, तो यहां पर हमने लिख दिया क्यू एक्स लिख देते हैं डायरेक्ट हम लोग, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ये आपका देखिए इन हो रहा है एलिमेंट्री पार्ट से, एग्जिट क्या है क्यू एक्स प्लस डी एक्स, तो यहां पर हमने लिख दिया क्यू एक्स प्लस डी एक्स, और यहां से क्यू कन्वेक्टेड हो रहा है तो प्लस क्यू ऑफ हमने क्या लिख दिया कन्वेक्टेड, क्लियर है। अब ये हमने लिख दिया यहां पर क्यू एक्स, क्यू एक्स प्लस डी एक्स, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या क्यू ऑफ एक्स प्लस ये आपका क्या हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, तो यहां पर हमने लिख दिया क्या डेल बाई डेल एक्स, यहां पर हमने लिख दिया क्यू एक्स, फिर हमने क्या लिख दिया डी एक्स प्लस ये आपको क्या मिलेगा क्यू ऑफ कन्वेक्शन की वैल्यू रख देते हैं, ये आपको क्या दिखेगा, चलिए अभी हम लोग रखते हैं नेक्स्ट वैल्यू में, क्यू ऑफ कन्वेक्टेड है तो यहां से क्यू एक्स कहानी तो खत्म ही है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए डेल बाई डेल एक्स को माइनस ले आओ, माइनस डेल बाई डेल एक्स, क्यू एक्स की वैल्यू क्या रखोगे माइनस के, यहां रखते हैं देखिए ये लिखा हुआ है कितना लिखा हुआ है माइनस के ए, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स हमने यहां पर लिख दिया और इंटू आपका डी एक्स ये वाला पोर्शन है प्लस, सॉरी प्लस नहीं यहाँ ट्रांसफर कर दिए हैं, तो इक्वल टू क्यू ऑफ कन्वेक्शन कितना आएगा, ये आपको आएगा एच और यहां पर आएगा पी इंटू डी एक्स और नेक्स्ट आपको आएगा टी माइनस टी इन्फिनिटिव, क्लियर है यहां तक। अब आप यहां से आगे बढ़िए तो आपको क्या दिखेगा, देखिए यहां पर आपको dx का dx कहानी खत्म है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए अब एलिमेंट्री पार्ट के लिए करोगे तो डेल टू टी बाई डेल एक्स टू, और ओवर और अगर आप फिन्स के लिए करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा डी टू टी बाई डी एक्स टू, ठीक है। और यहां पे आप देखोगे तो के ए जो बच रहा है माइनस माइनस तो प्लस हो गया, इस के को नीचे ले आइए तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या एच पी डिवाइड बाई के एरिया, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इंटू हम लोग क्या लिख सकते हैं टी माइनस टी इन्फिनिटिव, क्लियर है। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट इक्वेशन आया हुआ है, ठीक है, जो आपका क्या है हीट, अभी आपका ये जो है टेम्परेचर प्रोफाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस टेम्परेचर प्रोफाइल को भी सिंप्लीफाई करना है क्योंकि इसमें मैथमेटिकल टूल अप्लाई करना पड़ेगा जिसके थ्रू ये आपका क्या होगा सिंप्लीफाई होगा। तो अगर आप इसमें सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली देखिए इसमें हो क्या सकता है यहां पर, तो यहां पर देखिए मैं मैथमेटिकल टूल लगाकर सिंप्लीफाई कर रहा हूं इस चीजों को, किस तरीके से देखिए यहां पर टी माइनस टी इन्फिनिटिव, ठीक है, इसको एक वैल्यू ले लो, मान लीजिए हम लोग इसको ले लेते हैं थीटा, तो यहां पर हमको क्या करना है डी टू टी बाई डी एक्स टू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहां पर पहले आप कर लो डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स करोगे और ये तो आपका कॉन्स्टेंट हो गया ना डेट इज द एम्बियंट टेम्परेचर, तो ये आपको मिलेगा जीरो इक्वल टू ये आपको क्या मिलेगा डी थीटा बाई डी एक्स, और फाइनली और इसको सिंपली एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू टी बाई डी एक्स टू इक्वल टू आपको क्या मिलेगा ये डी टू थीटा डिवाइड बाई डी एक्स टू, क्लियर है यहां तक। अब इस वैल्यू को उठा के हम लोग यहां पे रखते हैं तो फाइनली आप रखोगे तो देखिए क्या आएगा, इसको उठा के हम लोग यहां पे रख रहे हैं तो ये आपको जो पोर्शन मिल रहा है ये आपको मिलेगा डी टू थीटा डिवाइड बाई डी एक्स टू, ठीक है, इक्वल टू एच पी बाई के ए, ठीक है, ये तो आपका एज इट इज है, और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या टी माइनस टी इन्फिनिटिव को थीटा, क्लियर है। अब सुनिए
एचपी बाई के ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसको भी एक वैल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एंड यहां पर हम लोग क्या लिख देते हैं, देखिए एचपी बाई के ए सी, इसको हम लोग लिख लेते हैं एम स्क्वायर। एम हमने क्यों नहीं लिखा है, देखो डबल ऑर्डर वाला फंक्शन है, डबल डिग्री है, तो दो ऑर्डर वाला हम लोग फंक्शन यूज करेंगे। तो यहां पर हमने एम स्क्वायर लिखा हुआ है, तो फाइनली मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूं, देखो डी टू थीटा बाई डी एक्स टू इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा एच पी बाई के सी को एम स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा एम स्क्वायर इन टू थीटा। ये आपको क्लियर हुआ, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आया, और इस इक्वेशन को क्या है मैथमेटिकल टूल लगा के अब हम लोग को क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो अगर आपको याद हो मैथमेटिक्स में तो सी एफ और पी आई पढ़ते थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, बिल्कुल वही फंडा यहां पर अप्लाई करना है। तो वो फंडा अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा इस टर्म्स में, तो ये आपको जो है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है आफ्टर, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो, इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि गणित लगा रहे हैं, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो सी एफ और पी आई वाला कंसेप्ट लगेगा, और जब सी एफ और पी आई की वैल्यू जब आप अप्लाई करोगे तो फाइनली देखिए आपको, देखिए डब दो ऑर्डर है ना, तो दो कांस्टेंट की वैल्यू निकल कर आएगी, क्या निकल कर आएगी थीटा इक्वल टू सी वन इंटू ई की पावर माइनस एम एक्स प्लस, ये आपको निकल कर आएगा सी टू इंटू ई की पावर एम इंटू एक्स, ये आपको मिलेगा इक्वेशन जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। तो ये सिंप्लीफाई मत करने लग जाना, नहीं तो इतना भी टफ नहीं है, लेकिन मैथमेटिकल है, फिर से एक पेज आपको जरूरत पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है, और ना आपको ये चीज एग्जाम में करने की जरूरत है। तो ये आपको जो थीटा की वैल्यू मिल गई है, अब हमारा एम एम क्या है, यहां से ये सी वन और सी टू की वैल्यू निकालना। अब ये सी वन और सी टू की वैल्यू आएगी कहां से, तो सी वन और सी टू की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आपको लगाना पड़ेगा बाउंड्री कंडीशन। अब बाउंड्री कंडीशन क्या होता है कि आपका जो है एक्स के साथ आपको कहीं ना कहीं टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो आप बाउंड्री कंडीशन इस तरीके से लगाइए ताकि आपको टेम्परेचर यहां पर जो वेरिएशन दिख रहा है वो आप उस पर पुट कर सको। किस तरीके से, देखिए अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं इस पोजीशन पे, तो यहां पर एक्स जीरो है, तो एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे आपको टेम्परेचर क्या दिखेगा, जो आपको एक्स इक्वल टू जीरो आप बात करोगे तो एक्स इक्वल टू जीरो पे आपको टेम्परेचर क्या दिखेगा, ये आपको जो भी दिख रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर आपका, तो टी मान लीजिए एक्स इक्वल टू जीरो पे टी इक्वल टू टी नॉट लिख दिया हमने। नेक्स्ट आपका क्या है इंसुलेटेड टिप है, इंसुलेटेड टिप है, तो मान लीजिए कि टोटल आपका जो लेंथ गया वो एल गया है, तो एट एक्स इक्वल टू एल, एक्स इक्वल टू एल पे भी कोई कंडीशन बन सकता है क्या, देखो तो एक्स इक्वल टू एल पे यहाँ टेम्परेचर टी इक्वल टू टी इन्फिनिटी नहीं रखना है, याद रखिएगा क्यों, क्योंकि हमेशा यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो सराउंडिंग में वो क्या कर रहा है रिजेक्ट कर रहा है। हम लोग इनफाइनाइटली अगर लॉन्ग फिन रहता तो इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन का मतलब यही कि आपका जो क्या है फिन का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर है, लेकिन यहाँ पर वो केस नहीं होगा। तो एक्स इक्वल टू एल पे ये कंडीशन आपको मिल सकता है क्या, जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है वहां पे स्लोप आपको क्या दिखेगा जीरो, सीधी सी बात है ये मैक्सिमम टेम्परेचर है तो ये मैक्सिमम है ना, यहाँ स्लोप क्या दिख रहा है जीरो, यहाँ स्लोप देखो यहाँ स्लोप आपको चेंज दिख रहा है लेकिन यहाँ आपको स्लोप क्या दिख रहा है जीरो, बस यही काम किया है हमने। तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये दो बाउंड्री कंडीशन आप लगाइए और वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ सी वन एंड सी टू। तो चलिए अब हम लोग पुट करते हैं, तो मान लीजिए कि सपोज इसको हम लोग मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, ये जो हमारे पास आया हुआ इक्वेशन है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो पहला हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो रखिए क्या होगा वो जो आपको कंडीशन दिख रहा है एक्स इक्वल टू जीरो रखना है, और अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, तो यहां पर टी इक्वल टू टी नॉट है तो उसको कहीं ना कहीं हमको थीटा फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये जो हमने बाउंड्री कंडीशन है, तो ये बाउंड्री कंडीशन को चलिए उठा के हम लोग यहां रख रहे हैं, तो यहां पर जब हम लोग रखेंगे तो हमको देखिए क्या दिखेगा, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है एट एक्स इक्वल टू जीरो क्या दिख रहा है टी इक्वल टू टी नॉट, तो टी इक्वल टू हमको क्या दिख रहा है टी नॉट। अब एक्स इक्वल टू जीरो पे टी इक्वल टू टी नॉट दिख रहा है ना, अब आपको क्या करना है थीटा फॉर्मेट लाना है, तो एक काम करो ये टी माइनस टी इन्फिनिटी कर लो इक्वल टू टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी, ठीक है। इससे क्या होगा टी माइनस टी इन्फिनिटी थीटा हो गया, और टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी को हम लोग क्या लिखते हैं थीटा नॉट, तो ये x इक्वल टू जीरो पर थीटा इक्वल टू थीटा नॉट मिल रहा है, इस वैल्यू को उठा के आप यहां पे रख दीजिए, तो यहां पे आप रखे इस फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये आपको क्या दिखेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
तो रखिए थीटा इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो पे थीटा इक्वल टू थीटा नॉट, तो यहां पर हमने रख दिया थीटा नॉट इक्वल टू एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो e की पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो की वैल्यू वन होती है, तो सी वन प्लस सी टू में भी आपका वही आएगा तो सी टू आपका बचेगा। तो ये तो आपका बन गया पहला इक्वेशन। दूसरा बाउंड्री कंडीशन रखना चाहते हो x इक्वल टू एल, ठीक है रख देंगे, लेकिन वहां डी टी बाई डी एक्स बोल रहा है, तो आपके पास जो अभी फंक्शन है वो आपका t का फंक्शन है, क्योंकि जो थीटा है ये थीटा को हम लोग t के फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे t माइनस टी इन्फिनिटी इक्वल टू सी वन इंटू ई की पावर माइनस एम एक्स प्लस ये आपको क्या मिलेगा सी टू इंटू ई की पावर एम एक्स, ये आपको दिखेगा। तो ये जो आपको कंडीशन दिख रहा है तो यहाँ आपको डी टी बाई डी एक्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, तो यहीं पर चलिए कैलकुलेट कर देते हैं। तो t माइनस टी इन्फिनिटी जो दिख रहा है यहाँ पर, तो t माइनस टी इन्फिनिटी जो है डी टी बाई डी एक्स कर दो, तो ये हमने कर दिया डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, तो ये तो आपका कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो गया ना, तो डी टी बाई डी एक्स माइनस जीरो इक्वल टू ये तो आपका ठीक है x के रेस्पेक्ट में चल रहा है c1 into e की पावर माइनस एम एक्स, तो माइनस एम एक्स है तो माइनस एम इधर आ जाएगा, तो यहां पर एक काम करते हैं ऐसा लिख लेते हैं माइनस एम इंटू सी वन इंटू ई की पावर माइनस एम एक्स प्लस, यहां करोगे तो प्लस m आएगा, तो m इंटू सी टू की पावर c2 इंटू ई की पावर एम एक्स। क्लियर है यहां तक, चीजें क्लियर है। अब ये जो आपको कंडीशन है dt by dx हमारा मिल चुका है, अब dt by dx आपको जीरो रखना है x इक्वल टू एल पर, तो इसको मान लीजिए कि सपोज हम लोग इक्वेशन मान लीजिए टू दे देते हैं, तो यहां पर लिखते हैं एट सेकेंड कंडीशन क्या है x इक्वल टू एल पर, ठीक है, तो यहां लिखते हैं एट x इक्वल टू एल पर ये आपको दिखेगा क्या dt by dx इक्वल टू आपको क्या दिखेगा जीरो। क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू आप रखिए फ्रॉम इक्वेशन टू, तो यहाँ पर हमने रख दिया फ्रॉम इक्वेशन टू क्या दिखेगा आपको डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स तो हम लोग क्या रख दिए हैं जीरो इक्वल टू आगे बताओ एम, ये एक्स की वैल्यू क्या रखना है एल, तो यहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं माइनस एल इंटू सी वन इंटू ई की पावर माइनस एम एल प्लस, ये आपको आएगा m की वैल्यू, m तो आपका एज इट इज है, x की वैल्यू l रखना है आपको, x की वैल्यू l रखना है तो यहां पर तो माइनस एम ही रहेगा आपका, ये आपका आया माइनस एम सी वन ई की पावर माइनस एम एल प्लस एम इंटू सी टू की पावर सी टू इंटू ई की पावर क्या आएगा प्लस एम एल। क्लियर है यहां तक। तो ये आपको जो आया है वो सी वन और सी टू की वैल्यू आई हुई है। अब देखिए यहाँ पर C1 और C2 की वैल्यू, अब आपको क्या है C1 C2 का ये फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट है, तो m m आप कॉमन निकाल लो यहाँ से, कहानी खत्म। तो m कॉमन निकालेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा जीरो इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं C1 इंटू ई की पावर माइनस एम एल, देखिए ये माइनस हमने बाहर ले लिया तो माइनस ले लो, मतलब वही है C2 इंटू ई की पावर क्या आ जाएगा एम एल। अब आपको क्या करना है C1 C2 का एक इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको C1 और C2 की वैल्यू मिलेगी। तो रखते हैं वैल्यू, ठीक है थोड़ा सा वैल्यू निकालोगे तो लेंदी जाएगा, बट देखिए क्या निकल कर आता है वैल्यू। तो यहां पर आप देखिए ये जो आपका पोर्शन है C1, तो C1 की वैल्यू हम लोग लिख क्या लिख सकते हैं थीटा नॉट माइनस थी टू, तो ये हमने लिख दिया जीरो इक्वल टू, यहां पर यहां लिखते हैं जीरो इक्वल टू सी वन की वैल्यू क्या रख रहे हैं थीटा नॉट माइनस सी टू, तो थीटा नॉट माइनस सी टू, ठीक है ये आपका आया इंटू ई की पावर माइनस एम इंटू एल माइनस सी टू इंटू ई की पावर एम इंटू एल, ठीक है ये आपको दिखा। अब यहां से आप सी टू की वैल्यू निकालिए तो इसको सिंप्लीफाई करिए, जीरो इक्वल टू ये आपको आएगा थीटा नॉट इंटू ई की पावर माइनस एम एल और ये आपको आएगा माइनस सी टू इंटू ई की पावर माइनस एम एल और ये आपको आएगा माइनस सी टू इंटू ई की पावर एम एल। तो सी टू कॉमन ले लीजिए और फाइनली जब आप निकालोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, यहां से देखो सी टू इक्वल टू ये तो आपका इधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस आ जाएगा, तो थीटा नॉट इंटू ई की पावर माइनस एम एल, ठीक है और डिवाइड बाई सी टू आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा ई की पावर एम एल प्लस e की पावर माइनस एम इंटू एल, ठीक है ये जो आपको मिला है ये आपको C2 के वैल्यू मिला है, ठीक है।
उसी तरीके से आपको C1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो यहां पर आप देख लो, खुद ही आपको दिख जाएगा क्या आएगा, C1 प्लस C2 है ना, तो C2 की वैल्यू आप क्या रखोगे, थीटा नॉट माइनस C1, तो थीटा नॉट माइनस C1 रखोगे तो जस्ट आपका ये जो वैल्यू है वही आने वाला है। बस चेंज क्या आएगा कि यहाँ पे थीटा नॉट जो आपका मल्टीप्लाई हो रहा था माइनस एम एल से, यहाँ पर जो थीटा नॉट मल्टीप्लाई होगा वो प्लस एम एल से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर जब आप सी वन की वैल्यू निकालोगे तो आपका आएगा थीटा नॉट तो आना ही है इंटू ई की पावर प्लस में आएगा ई की पावर एम एल डिवाइड बाई, ये आपको क्या आएगा ई की पावर एम एल प्लस ई की पावर माइनस एम इंटू एल। ठीक है, ये जो आपको मिला है ये आपको C1 की वैल्यू मिली है। तो ये C1 और C2 की जो वैल्यू आई हुई है, अब आप इसको उठा के क्या है यहां पर पुट अप करेंगे इस पोर्शन में। तो जब आप यहां पर रखेंगे तो आपको क्या है जो वैल्यू दिख रहा है ये आपको दिखेगा। तो देखते हैं क्या क्या वैल्यू आ रहा है। अब मैं इसको रफ कर दूं इस वाले पोर्शन को। तो देखिए यहां पर ये जो आपका कंडीशन है थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि ये आपको वैल्यू रखना ही है। तो ये हमारा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब हम लोग लगते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से आप रखिए थीटा, तो थीटा तो हमारा एज इट इज है, सी वन, सी वन की वैल्यू क्या रखोगे, ये थीटा नॉट इंटू ई की पावर एम इंटू एल डिवाइड बाई, ये आपको क्या मिलेगा ई की पावर एम इंटू एल प्लस ई की पावर आ जाएगा माइनस एम इंटू एल। क्लियर है? तो ये आपको किस में मिला, ये कंडीशन सी वन, ये वाला पोर्शन इंटू इनटू क्या है e की पावर माइनस एम एक्स, तो ये हमने लिख दिया माइनस एम एक्स प्लस। यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये जो आपका कंडीशन है c2, c2 की वैल्यू भी हमने निकाला हुआ है थीटा नॉट, तो थीटा नॉट इनटू e की पावर माइनस एम एल डिवाइड बाई, ये आपको आ रहा है e की पावर एम एल प्लस e की पावर माइनस एम इंटू एल। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो थीटा इक्वल टू ये e की पावर एम एक्स, तो यहाँ पर हमने लिख दिया e की पावर m इंटू एक्स। क्लियर है? तो ये जो आपको दिख रहा है ये हमने थीटा की वैल्यू निकाली हुई है। अब देखिए इस थीटा की वैल्यू के साथ क्या होगा, थीटा नॉट को आप कॉमन ले लो, जब आप थीटा नॉट को कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए, दोनों जगह से थीटा नॉट, तो थीटा बाई थीटा नॉट इक्वल टू, तो यहां से आपका e की पावर, देखो x की पावर m प्लस x की पावर m, x की पावर m प्लस n होता है, तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं e की पावर m और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं l माइनस x। ठीक है, अच्छा दोनों का अगर बेस देखोगे तो सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो उसको रहने दो एज इट इज। प्लस यहां पर हम लोग लिख सकते हैं अगेन थीटा नॉट, तो नीचे आ गया e की पावर, यहां पर आप देखोगे तो m कॉमन ले लो, तो m कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो एक काम करो यहां माइनस एम कॉमन ले लो, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा एल माइनस एक्स डिवाइड बाई, ये आपको नीचे क्या दिख रहा है ई की पावर एम एल प्लस ई की पावर माइनस एम इंटू एल। क्लियर है? ठीक है, तो ये जो आपको आया है थीटा बाई थीटा नॉट की वैल्यू, ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो यहां पर थीटा बाई थीटा नॉट निकल कर आया, अब हम लोग फाइनली इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूं, अब देखिए क्या है इक्वेशंस लगना है कुल मिला के किस तरीके से, दोनों को आप डिवाइड बाय टू कर दो, डिवाइड बाय टू करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा थीटा बाय थीटा नॉट इक्वल टू ई की पावर एम एल माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एम एल माइनस एक्स डिवाइड बाय टू, और पूरे का डिवाइड अगर देखोगे तो ई की पावर एम एल प्लस e की पावर माइनस एम एल बाई टू। समझ में आया? तो ये जो आपका e की पावर m l माइनस एक्स और माइनस एम एल माइनस एक्स और ये आपका m एम एल प्लस m ये माइनस एम एल बाई टू हो गया। तो अगर आप इस केस में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ये जो आपको दिख रहा है ये केस में अगर आप आगे बढ़ोगे, इसका फॉर्मूला कुछ याद है क्या होता है, इसको हम लोग लिखते हैं, ये जो आपको कंडीशन आया हुआ है ये लिखा जाता है cos हाइपरबोलिक ऑफ m, ये e की पावर mx का जो फॉर्मूला है ये वाला, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं क्या cos हाइपरबोलिक ऑफ m, x लिखा जाता है लेकिन x की जगह यहां पर l माइनस एक्स है। ठीक है, ये आपको, और ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है अगेन यहां पर क्या लिखेंगे cos हाइपरबोलिक, सेम फंक्शन है देख लीजिए,
तो हाइपरबोलिक ऑफ एम इंटू एल, यहाँ एल है, यहाँ एल के जगह एल माइनस एक्स है। तो फाइनली अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा थीटा बाई थीटा नॉट इक्वल टू, ये आपको दिखा क्या, अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी माइनस टी नॉट, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी टी माइनस टी इन्फिनिटिव, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, टी माइनस टी इन्फिनिटिव इक्वल टू, ये हम लोग लिख सकते हैं ऊपर क्या, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एम एल माइनस एक्स डिवाइड बाई, ये आपको हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एम एल। क्लियर है? तो ये जो आपको इक्वेशंस निकाल कर आया है, ये अभी आपका हीट ट्रांसफर नहीं आया है, टेम्परेचर प्रोफाइल आया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हीट ट्रांसफर निकालना है। अब हीट ट्रांसफर कैसे निकलेगा, तो ये भी आपसे एग्जाम से पूछा जाता है डेरिवेशंस में। हीट ट्रांसफर निकालोगे क्यू, तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, यही होता है। और एक्स इक्वल टू क्या रखोगे, यहां पर एक्स इक्वल टू जीरो से आ रहा है, तो एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये आपको वैल्यू जब रखोगे तब आपको मिलेगा। तो चलिए ये वैल्यू भी हम लोग रखते हैं यहाँ पर। तो इस पोर्शन को अब मैं रफ करता हूँ फाइनली, और यहाँ पर हम लोग निकालते हैं हीट ट्रांसफर। लेकिन उससे पहले आपको एक डेटा निकालना पड़ेगा, और वो डेटा क्या है आपका, ये डी टी बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो पहले एक काम करिए, डी टी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, उसके बाद उठा के इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स के पहले तो टी निकालना पड़ेगा, तो ये वाला टी है, इसी टी को हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ से अगर आप टी निकालोगे, तो मान लीजिए कि सपोज हम लोग एक्स को इक्वेशन थ्री दे देते हैं, और चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ये अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा टी, तो t इक्वल टू आपका आएगा, t इक्वल टू आप देखोगे तो t नॉट माइनस t इन्फिनिटिव है, तो इसको हम लोग सीधा थीटा नॉट ही लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने, चलिए इसको हमने लिख दिया t नॉट माइनस t इन्फिनिटिव, एज इट इज ही लिख रहा हूँ अभी, t नॉट माइनस t इन्फिनिटिव। और यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, cos ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ m, ये आपको दिखेगा l माइनस एक्स डिवाइड बाई, ये आपको दिखेगा क्या, cos hyperbolic of ml। क्लियर है? अच्छा, t माइनस t इन्फिनिटिव है, तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ t इन्फिनिटिव। अब आपको क्या करना है, dt by dx निकालना है, तो यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो dt by dx इक्वल टू क्या आएगा, तो यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t नॉट माइनस t इन्फिनिटिव, इसका तो कोई बाई बाप ही नहीं है, तो ये कॉन्स्टेंट है, तो थीटा नॉट रखो, cos hyperbolic of ml माइनस x, इसको आप करोगे तो क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपको दिखेगा क्या, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ एम, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा एल माइनस एक्स, और ये जब आपका एम इंटू एल माइनस एक्स को जब आप क्या करोगे, सॉरी हम लोग यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कॉस का बन जाएगा क्या, साइन, ठीक है, ये ध्यान रखना, कॉस का बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ एम एल माइनस एक्स, और एम का अगेन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एम डिवाइड बाई, ये तो आपका नीचे एज इट इज रहेगा, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एम एल। अब देखिए आपको x की वैल्यू क्या रखनी है, जीरो, तो जब आप यहाँ x की वैल्यू जब आप जीरो पुटअप करोगे तो क्या मिलेगा, दिस इज द डी टी बाई डी एक्स एट x इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे आप लिखोगे तो क्या बन जाएगा, ये आपको मिलेगा थीटा नॉट, ये आपको मिलेगा साइन ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ एम एल डिवाइड बाई कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एम एल, और यहाँ पर आपका क्या है, एम आपका एडिशनल आ रहा है, ठीक है, तो एम को एक काम करिए सामने ले आए, नहीं तो साइन के साथ लपटा जाएगा वो, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्या, डी टी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू, तो थीटा नॉट तक तो ठीक है, एम भी हमने सामने ले आए, ये साइन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, टेन, तो टेन हाइपरबोलिक ऑफ एम इंटू एल। ये क्लियर है यहाँ तक? तो फाइनली ये आपको मिल गया डी टी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहां से हम लोग निकालते हैं क्या, हीट ट्रांसफर, ठीक है, तो हीट ट्रांसफर थ्रू इंसुलेटेड टिप, तो हीट ट्रांसफर थ्रू इंसुलेटेड फिन अगर आप निकालोगे तो अब आप लिख सकते हो क्यू इक्वल टू माइनस के ए, ठीक है, और आपका क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, और ये माइनस हम लोग खा चुके यहां पर, तो इसको खाना नहीं है, ये माइनस रहेगा, ठीक है, तो Q इक्वल टू आपको क्या दिख जाएगा, माइनस के, एरिया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, dt बाई डी एक्स की वैल्यू पूरा उठा के रख दो, तो पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m,
ठीक है, और माइनस के साथ आ रहा है तो माइनस चलो ले ही लेता हूँ अभी, फिर प्लस ही हो जाना है वो, एम हो गया। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, टेन हाइपरबोलिक ऑफ एम एल इंटू थीटा नोट, ठीक है। माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये आपको आ जाएगा क्यू, तो क्यू इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा प्लस के, ठीक है। एरिया, एरिया आप क्या लोगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, चलो एरिया ही रहने दो उसको, ए रहने दो, ठीक है। एम की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एच पी बाई के ए, ठीक है, इंटू टेन ऑफ हाइपरबोलिक एम इंटू एल, ठीक है। और बाकी तो ये आपका क्या रहे, थीटा नॉट। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करिए तो के यहाँ से कैंसिल होगा, तो फाइनली आप देखोगे तो हीट ट्रांसफर थ्रू फैन कितना दिख रहा है, यहाँ पर लिखते हैं फाइनली, तो यहाँ पर जब आप लिखोगे तो क्यू, क्यू इक्वल टू आपको आएगा, ये आपको आया अंडर रूट एच पी के ए, आया के जो आपका है, इंटू थीटा नॉट और टेन हाइपरबोलिक ऑफ एम एल, थीटा नॉट इंटू टेन हाइपरबोलिक ऑफ एम एल, ठीक है। थीटा नॉट को ओपन करोगे तो क्यू इक्वल टू आपका आना वही चीज है एच पी के ए। थीटा नॉट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ देखोगे तो टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी, ठीक है, और ये आपको आएगा टेन हाइपरबोलिक ऑफ एम एल। तो ये जो आपको निकला हुआ है दिस इज द हीट ट्रांसफर, और ये हीट ट्रांसफर जो आपको निकला हुआ है ये आपका इंसुलेटेड टिप के लिए निकला हुआ है, जिसका हमने क्या किया, डेरिवेशन किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।